से देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी! Since 1951. एल्डोराडो का रहस्य। क्या केजीएफ के कोलार गोल्ड फील्ड्स जैसी दुनिया में वाकई अनलिमिटेड सोने की खदान एग्जिस्ट करती है, जिसको पाना दुनिया पाने जैसा माना जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म केजीएफ 2 16 जुलाई को रिलीज होने वाली है। फिल्म की इस ग्रैंड सक्सेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण फिल्म की डिटेलिंग भी है। फिल्म ने कोई भी चीज यूं ही नहीं है, सबका कुछ न कुछ मतलब है, कॉन्टेक्स्ट है। अब चाहे वो फिल्म का टाइटल हो, लोकेशन या समय हो, यहाँ तक कि फिल्म में दिखाए गए एक एक नाम के पीछे कहानी छुपी है। ऐसी ही एक कहानी हम आपको बता रहे हैं एल्डोराडो की, यानी कि आनंद इंगालगी की उस बुक के टाइटल की कहानी जिसके बैन की वजह से फिल्म की कहानी शुरू होती है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आखिर ये एल्डोराडो है क्या और फिल्म से इसका क्या कनेक्शन है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मिथ से कोई ना कोई कहानी तो जरूर जुड़ी होती है। आज इस सोने के खदान की यही कहानी हम आपके साथ साझा करेंगे। इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि एल्डोराडो साउथ अमेरिका में लोकेटेड एक मिस्टीरियस जगह का नाम है, जहां माना जाता है कि अपार सोना है और जो इसे पालेगा इस दुनिया पर राज करेगा। लेकिन ऐसी मान्यता आखिर है क्यों? तो कहानी की शुरुआत 1530s के आसपास होती है। म्यूएसका ट्राइब में एक अजीबोगरीब रिवाज था। वहाँ राजा बनने से पहले एक रिलीजियस सेरेमनी की जाती थी, जिसके तहत एक जिंदा आदमी को पूरी तरीके से नेकेड करके सोने की चीजों से भरे गट्ठर के साथ पवित्र माने जाने वाली ग्वाटाविटा लेक में फेंक दिया जाता था। इससे पहले उसके शरीर के बाल भी नोच लिए जाते थे। सभी लोग अपने सोने के गहने के गट्ठर उस पर रख देते थे। कहा जाता है कि वो पूरा एरिया ही सोने के खदानों से भरा पड़ा था और यही कारण है कि इस तरीके की सेरेमनीज में सोने का भरपूर इस्तेमाल होता था। ये सब बहुत ग्रैंड तरीके से होता था। झील पर सैर के लिए बनाए जाने वाले जगह पर भी सोना बिछाया जाता था। इसके बाद गट्ठर को गहरी झील के बीचों बीच लाया जाता था। माना जाता था कि ये पूजा पूरी होते ही देश को एक नया और एबल राजा मिल गया। म्यूएसका ट्राइब के लोग अपने हर साम्राज्य में ये काम करते थे। उन लोगों का विश्वास था कि इस तरीके की पूजा के बाद इलाके में सोने की और खदानें मिलेंगी। माना जाता है कि यहाँ इतनी खदानें थी कि वो लोग मंदिर की मूर्तियां बनाने, उसकी चोटी और बाकी चीजों को बनाने में भी सोने का ही इस्तेमाल करते थे। अब अनलिमिटेड सोने की ऐसी कहानी सुनकर तो किसी का भी मन मचल जाए और इंसान तो वैसे भी लालच के लिए बदनाम है, तो बस लोग निकल पड़े इस सोने की दुनिया को खोजने। कुछ लौट सके और कुछ कभी नहीं आ पाए। लेकिन इस जगह को खोजने के लिए जितनी कोशिशें होती हैं, उतनी ही इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। अब वाकई ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये सब्जेक्ट फिल्म मेकर्स के लिए किसी गोल्डन टॉपिक से कम नहीं है। अक्सर इस पर फिल्में बनती आई हैं और उतनी ही कमाई भी करती आई है। हम अपनी अगली वीडियोस में आपको इस टॉपिक पर बनी कुछ खास फिल्मों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है उपासना पांडे।